ये हमारी चाचा चाची और कुंदन है और 2022 सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग न्यू ईयर केक कटिंग कर रहे हैं और चाची काटने वाली है केक। चलिए चाची काटिए। हैप्पी न्यू नए साल में आप क्या करने वाले हैं बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। अरे कुछ नहीं है, अंडा नहीं होता है। इतना डरते क्यों है, केस कर देंगे आइसक्रीम कंपनी को अगर अंडा डालो। अच्छा जी, तो इस साल का आपका क्या? चाची तो भाग रहे हैं, हाँ धोने चली गई। चाचा से पूछिए। अच्छा अच्छा, आपका इस साल का क्या रिजल्ट, मतलब क्या करने वाले हैं आप? ये साल सबके लिए, हमारा पूरा परिवार के लिए हाँ बहुत ही अच्छा रहे। इसके लिए हम लोग सुबह उठ के पूजा पाठ किए हैं। हाँ अच्छा बोला, अच्छा बोला। गुंजन तेरा क्या मतलब रेजोल्यूशन है, तुम बताओ यार इस साल का क्या रेजोल्यूशन है तुम्हारा इस साल का? रेजोल्यूशन हाँ, क्या करने वाले हो? बी एट योर बेस्ट एवरीडे। हाँ ये रेजोल्यूशन और क्या। भाई साहब काफी हैवी था। हाँ तो बेस्ट मतलब हर दिन तो बेस्ट ही रहेगा, कुछ रहेगा कुछ टारगेट, कुछ ऐसा बोलो जो मेजरेबल हो। मतलब मेजरेबल मतलब भाई फिटनेस, फिटनेस प्रायोरिटी रहेगा इस साल। पैक सिक्स पैक्स आने वाले हैं क्या? पैक नहीं, फिटनेस मतलब ओवरऑल फिटनेस, बॉडी फिटनेस। हाँ लेस इंजरी मतलब कुंदन जैसा कुछ नहीं हो गया। केवनी कोई सटा दे रहा है तो रिब्स टूट जा रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। नहीं मतलब उसके लिए तुमको है फूल कुमार नहीं बनना है। फूल कुमार नहीं मतलब वो सिचुएशन आने से पहले उसके लिए तुम माहौल सुबह से ही ठीक रखो कि वो रात में हो ना पाए ऐसा। नहीं सही है, अनुभव भी करते ले रहे फील्ड में। पहले ही कहने लगी, पहले अभिषेक का ले लेते हैं। कुंदन तुम्हारा क्या रेजोल्यूशन? कोई रेजोल्यूशन नहीं है, लास्ट टाइम हम किए थे सारा फेल हो गया। तो वो तो इसीलिए होता है, तुम 100 बनाते हो 4 पूरा होता है। 100 में 200 फेल हो गया। ठीक है चाची, आप बताइए क्या करने वाले हैं, मतलब इस साल और भी पूजा कीजिएगा और भी कुछ कीजिएगा, क्या प्लान है? कौन से तीर्थ जाने वाले हैं? अब अगले साल मतलब फिर पूछ देंगे कि ये क्यों नहीं किया। ऐसे तो पूछेगा, वो जो खुशी होगा तो सोचता तो है आदमी। हाँ हाँ तो हाँ ये आप सही बोले, वही पूछा जा रहा था, ये जवाब नहीं दिया, आप समझ गए हैं। तो कौन सा तीर्थ मतलब आपको? थोड़ा चारों धाम जाइएगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? ये 3 जा चुके हैं, चौथा ले जाइएगा इसको भी। हम तो बोले कि मेरे पाप का घड़ा भरेगा तब जाएंगे हम। तो हाँ तो हम मतलब 60 के बाद ही जाएंगे अगर उतना जिए तो। तब कौन जाएगा 60 के बाद? तो क्या अब उतना तो टाइम लगता ही है पाप का घड़ा भरने में। आप लोग 60 होते ना और शरीर एकदम निकल। अरे रेजोल्यूशन है कि हाँ हम थोड़ा इस बार हेल्दी खाने की कोशिश करेंगे, आइसक्रीम थोड़ा कम खाएंगे। एक और चीज मिस कर गया और एक और चीज मिस कर गया, पति का ज्यादा से ज्यादा सेवा, पति पे ज्यादा गाड़ी का लाइसेंस बना के लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। तो लेके चलेंगे गोवा, लेके चलेंगे सबको। कौन जाएगा इसके साथ बैठ के गोवा? कौन जाएगा? चाची हंसने लगी, चाची तो नहीं जाएंगी। छुट्टी तो ज्यादा लेना पड़ेगा, एक दिन में थोड़ी ना पहुंचेगी। नहीं सही है।
अच्छा हम लोग फ्लाइट से पहुंच जाएंगे जल्दी। नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे वहां, वेट हमें जब से निकलेंगे ना ट्रिप तब गाड़ी धीरे पहुंच रहा है। नहीं अच्छा रेजोल्यूशन है रेशु तो रेशु भाई पता है जी आराम से बैठ कुछ भी सोच नहीं ऐसा कुछ भी सोच आप भी नहीं सोचे आपका हस्बैंड भी नहीं सोचे है मतलब जस्ट गो विद द फ्लो वाला हाल है भाई यहां पर जो आएगा उसको एकदम मतलब देख देख लिया जाएगा। चलिए बढ़िया लास्ट ईयर कोविड को देख लिए तो हां लास्ट ईयर कोविड भी अनएक्सपेक्टेड ही था ना। हां आप तो सारा जंग जीत रहे हैं चलिए बढ़िया है। सबको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर से डल आदमी भाई। गाइस तो हम लोग चाचा चाची के यहां से वापस जा रहे थे न्यू ईयर का नाइट मना के और जब हम लोग शाम में चाय पी के निकल रहे थे तो गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे तो हो नहीं रहा था और फिर फाइनली जब हम लोग बोनेट खोले तो ये दिखा कि ये पूरा चूहा काट चुका है तो अब गाड़ी को टो करके ले जाना पड़ेगा और बहुत दुख की बात है। ख़त्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अभी हम लोग को वापस जाना था तो अब 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा यहीं और सर्विस वाले जब टो करने के लिए आएंगे तो उनके साथ जाना पड़ेगा। तो गाड़ी को चढ़ाया जा रहा है टो किया जा रहा है अब शायद एक दो दिन में मिल जाए धनो वापस।